नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बस्तर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, कहा बस्तर में पहले डर का माहौल था लेकिन अब समय बदला है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बगले में आयोजित हुई डिनर पार्टी, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा सहित अन्य नेता हुए शामिल। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में पहले लोग आने से डरते थे, यहां डर का माहौल था लेकिन अब समय बदला है, जगह जगह पर विकास के काम हुए हैं। बस्तर में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के लिए हमने अनेक योजनाएं दी हैं, यहां लगातार विकास के काम हो रहे हैं, हमने लोगों का विश्वास जीता है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चलकर जो मोहब्बत की दुकान खोली है ये उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जोखिम उठाई, जोखिम के साथ आगे बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जो काम किया है ऐसा काम पूरे इतिहास में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ होगा। आज बस्तर की तस्वीर बदल गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज समेत बस्तर संभाग के 7 जिले के 12 विधानसभा से कांग्रेस विधायक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में आयोजित डिनर पार्टी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले सत्ता और संगठन के बीच समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहम्मद अकबर प्रदेश प्रभारी को रात्रि भोज पर बुलाए थे। इस बीच कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई हैं, जिसमें बस्तर संभाग में हुए सम्मेलन के बाद इसे जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर कैसे ले जाना है इस पर रणनीति बनी है। आने वाले समय में और भी मंत्रियों के घर बैठक होने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कभी भी किसी के यहां बैठक हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अभी सभी संभागों में कांग्रेस का सम्मेलन होना है। जगदलपुर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद और मुंगेली जिले में हीट वेव चल सकते हैं। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश के हर जिले में सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है, दोपहर बाद धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन गर्मी और बढ़ेगी, इसके बाद ही मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। प्रदेश में रायगढ़ का तापमान 45.4 डिग्री, महासमुंद का तापमान 45.3 डिग्री, मुंगेली का तापमान 44.4 डिग्री, जांजगीर में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, बलौदाबाजार जिले में 44 डिग्री, बिलासपुर में 43.4, दुर्ग में 43 और राजधानी रायपुर में भी 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म बीजापुर जिला रहा, यहां तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया है। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने व भाजपा नेता बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव व एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने कहा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी जो कि हमारा गौरव हैं, उन्हें न्याय और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और आरोपी भाजपा नेता बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर उसे संरक्षण दिया जा रहा है। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शुरू से महिला पहलवानों का साथ दिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समर्थन में प्रदर्शन स्थल गए। केंद्र की तानाशाह सरकार लगातार अपने भाजपा नेता को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके विरोध में देश भर में आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।